कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित लोग भी अब ड्राइविंग लाइसेंस ले सकेंगे। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कि कलर डेफिशिएंट है, यानी जिन्हें कुछ कलर्स नहीं दिखाई देते। सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसके मुताबिक ऐसे लोग जो रंगों को नहीं पहचान पाते हैं वो भी अब आने वाले समय में ड्राइविंग लाइसेंस ले सकेंगे। हालांकि इस लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को अपना एक प्रमाण पत्र देना होगा कि उनकी कलर ब्लाइंडनेस का लेवल क्या है, यानी क्या वो कुछ कलर्स को पहचान सकते हैं या वो कोई भी कलर नहीं पहचान सकते। तो अगर वो कुछ कलर्स को पहचान सकते हैं तो वो इस लाइसेंस को लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब सरकार द्वारा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 में कुछ बदलाव किए जाने हैं जिसके बाद आप इस लाइसेंस को लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बदलाव 15 अप्रैल 2020 के बाद आपके सामने आ जाएंगे और इसकी सूचना भी आपको न्यूज़पेपर या मीडिया के द्वारा मिल जाएगी। तो जो लोग भी कलर डेफिशिएंसी के शिकार हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब वो आने वाले समय में ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके कोई कमेंट हैं तो आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।